अभी हमने ऋषि को शलाका की असलियत बता दी, वो फिर से सदमे में चला जाएगा। अब क्या करेंगे? हमें हर हाल में ऋषि को खुद से ये रियलाइज करवाना होगा कि शलाका उसके लायक नहीं। पर कैसे? रुको! कौन हो? कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है? दादा चादा 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 ऋषि देखो देखो मेरे दादाजी को, देख लिया? जो इंसान अपने हाथों से पानी नहीं पी सकता है, तुमने उस पर इल्जाम लगा दिया। तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो शलाका? क्या हुआ ऋषि, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं डॉक्टर, शलाका का कहना है कि उसकी जान लेने के लिए किसी ने उस पर इलेक्ट्रिक का वायर फेंका और इसे शक है कि ये काम दादाजी ने किया। क्या तुम्हें शर्म नहीं है ऐसा सोचते हुए? तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आया कैसे? बताओ, बोलती क्यों नहीं हो? बताओ। नहीं देगी ये जवाब, कोई जवाब नहीं देगी। ने इसने सुबह पर इल्जाम लगाया और अब दादाजी पर। ये हो क्या गया है तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम क्या सोचती हो, क्या समझती हो, कुछ तो बताओ। ये सब अजीब अजीब हरकतें करने के पीछे तुम्हारी क्या वजह है? I'm sorry, ऋषि, मैंने शायद कुछ गलत सोच लिया। तुम्हारी यही गलत सोच है ना, कहीं तुम्हें और मुझे एक दूसरे से दूर ना कर दे। ऋषि, आज मेरे दादाजी पर यह इल्जाम लगाकर तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। कहीं ना कहीं मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कड़वाहट पैदा होने लगी है। तुम्हें बताया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शलाका, बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम यहां से चली जाओ, इससे पहले कि मैं और कुछ बोल दूं। प्लीज गो। सॉरी दादाजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि शलाका को क्या हो गया। अचानक दो तीन दिन से बहुत अजीब बिहेव करने लगी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके इस बिहेवियर की वजह से वो अपने ऋषि को खो देगी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता लेकिन अपने परिवार वालों के खिलाफ जाने वालों के साथ खड़ा नहीं रह सकता। सुना लाडू, आज मेरे ऋषि ने कितनी बड़ी बात अपने परिवार वालों के लिए कही। फक्र है मुझे अपने बच्चे पर, फक्र है।
आज उसने अपने प्यार के बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचा। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके दिल में शलाखा के लिए जगह कम हो गई है। हाँ लड़ो, बस एक दो बार उसे और रियलाइज करवाएंगे, तो उसके बाद वो शलाखा को अपनी जिंदगी में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आखिर कौन हो सकता है फोन करने वाला, जिसकी वजह से हर पल दिमाग में मेरा टेंशन है कि कब वो मेरी सच्चाई घर वालों को बताएगा। और पता नहीं, सुबह तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? ये सुबह, सुबह मैंने कुछ, ये मेरे कपड़े, सुबह सुबह क्या कर रही है तू? ये सब मेरे कपड़े हैं, इसे बाहर क्यों निकाल रही हो? शलाका, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे कपड़े हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हें पैकिंग करने के लिए मदद कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं हूँ। जाना तो पड़ेगा ना शलाका, क्योंकि मास्टर जी का कोई इरादा नहीं है अब तुमसे शादी करने का। बकवास बंद कर, झूठ बोल रही है तू। मैं अभी जाकर ऋषि से तेरी शिकायत करती हूँ। शलाका, अभी अगर तुम मास्टर जी के पास गई ना, तो ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी। सच में वो क्या है ना कि इस वक्त मास्टर जी तुमसे बहुत गुस्सा है। अगर अभी तुम चली गई तो हो सकता है कि वो तुम्हें कह दे कि शलाका इसी वक्त इस घर से बाहर चली जाओ। मैंने तो बताने का काम किया है, आगे तुम्हारी मर्जी। एक बार चेक कर लो, सब ठीक है ना? तू चुप कर, ऋषि के खिलाफ भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषि मुझसे कभी नहीं दूर होगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, समझ गई? मास्टर जी तुमसे प्यार करते थे शलाका, अब नहीं करते। अब एक दोस्त के नाते तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ, अगर तुम मास्टर जी का प्यार फिर से पाना चाहती हो तो ये बात साबित कर दो कि दादाजी ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। अगर कर सकती हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर इस घर से और मास्टर जी के दिल से निकल जाने की तैयारी कर लो। ना इस घर से, ना ऋषि के जिंदगी से। थैंक गॉड मम्मी जी, मुझे शॉक नहीं लगा, मुझे मारने वाले का प्लान फ्लॉप हो गया। कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है? दादाजी, ऋषि मुझे बचा लो, ऋषि दादाजी मुझे मारना चाहते हैं। शलाका ने यार जो कुछ भी किया है उसे भूल पाना आसान नहीं,
क्योंकि मेरे दादाजी मेरे आदर्श, और मैं जानता हूं कि वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि आज दादाजी की क्या हालत है। बीबी शलाका के मुंह में दादाजी का नाम कैसे आ गया? मास्टर जी प्लीज आप इतना परेशान मत होइए। अब जानते हैं जब आप परेशान होते हैं घर में सब कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे परेशान ना हो सुनो, शलाका ने दादाजी पर इल्जाम कैसे लगा दिया? होनकर उसका यही रवैया रहा तो उसके साथ शादी करने के बारे में मुझे दोबारा सोचना होगा। मैं जानता हूं कि मैं शलाका से बहुत प्यार करता हूं, पर पता नहीं आजकल वो प्यार कम होने लगा है। आज तक मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, लेकिन आज मैंने उसे रुला दिया। मैंने रोया, इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं। मासी जी मैं जानती हूँ इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही है। मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत डिस्टर्ब हैं, लेकिन प्लीज अभी के लिए आप जाकर आराम कीजिए, बहुत देर हो गई। गुड नाइट। सुबह मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूं कि एक हफ्ते में तुम्हारी भी शादी है, और ऐसे में अपनी शादी की तैयारियों को छोड़कर तुम यहां मेरे साथ मेरे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने बैठ गई। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके नहीं है मास्टर जी, इस घर के, इस परिवार के, और मैं अपने आप को इस परिवार का हिस्सा मानती हूं। ऋषि भाई चाय। ऋषि बेटा क्या सोच रहे हो? कल शलाका ने जो कुछ भी किया उसके बारे में सोच रहे हो? हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि अचानक शलाका को हो क्या गया। ये तो शलाका ही जाने कि उसे क्या हो गया। मुझे तो बस इतना पता है कि शलाका की वजह से इस घर का माहौल खराब हो रहा है। ऋषि भाई मम्मी जी हम सब ये भूल गए हैं कि अगले हफ्ते इस घर में दो दो शादियां हैं, और इतनी बड़ी टेंशन छोड़कर हम क्या सोच रहे हैं? इला भाभी बिल्कुल सही कह रही, मुझे अपनी शादी की इतनी फिक्र नहीं, लेकिन सुबह की शादी एक बहुत ही बड़े घर में होने जा रही है, इसलिए उसकी शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, और इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना होगा। ऋषि बेटा किसी भी काम पे पूरा ध्यान तब दिया जाता है जब उस काम में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछले कुछ दिनों में शलाका ने जो भी गलतियां की है जाने अनजाने में, उसे हमें भुला देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हाँ ऋषि भाई मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, अब हमें बाकी सारी बातें भुलाकर सिर्फ शादी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हमें शादी की शॉपिंग भी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। हाँ इलाबा जाओ, तुम जाकर सुबह को कह दो, और मैं शलाका को जाकर समझाती हूँ कि पिछली सारी बातें भुलाकर वो हमारे साथ शॉपिंग पे चले। ठीक है मम्मी जी मैं अभी आती हूँ। मत करो ऐसा, थक चुकी हूँ मैं। ठीक है तो आज तुम पूरा दिन घर में आराम ही करना, वरना उस घर में लौट के वापस नहीं जा पाओगी।
शलाका। मम्मी जी, कल रात जो कुछ भी हुआ उस वजह से आप मुझे डांटने आई है ना, मुझे प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझना चाहती मैं किसी की भी, कोई भी बात नहीं समझना चाहती मैं। बस तुम्हें ये कहने आई हूँ कि आज तक इस घर में जो कुछ भी हुआ है हम सब उसे भूल जाएंगे और तुम भी उसे भूल जाओ। मुझे लेकिन आप नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ। नहीं जानना चाहती शलाका, मैं बस इतना जानती हूँ कि जैसा तुम्हारा बर्ताव होगा वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे इस घर में इश्यूज क्रिएट हो। मैंने ऋषि से भी कह दिया है कि वो सब कुछ भूल जाए और तुम भी सब कुछ भूल जाओ। मम्मी जी आप ठीक कहते हैं, जब आप सब कुछ भूल चुके हैं तो मैं भी सब कुछ भुलाने की कोशिश करूंगी। गुड, मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करती थी। अब चलो चेंज करके बाहर आ जाओ, हम लोग सब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और मैं हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी मम्मी जी, मैं बस आती हूँ। कल पूरी रात टेंशन में तुम सो नहीं पाई, परेशान हो। देखो मत करो ऐसा, थक चुकी हूं मैं। अच्छा अब तुम थक गई हो, ठीक है तो आज तुम पूरा दिन घर में आराम ही करना। खबरदार जो घर के बाहर कदम भी निकाला, वरना उस घर में लौट के वापस नहीं जा पाओगी, समझ गई ना? आज पूरा दिन तुम घर में ही रहोगी। देखो मेरी बात सुनो, मत करो ऐसा। क्या चाहते हो तुम? हेलो हेलो, बाकी सब लोग कहाँ हैं? सुबह शलाका तैयार होगी? मैं तैयार हूँ। वेरी गुड। शलाका कहाँ? वो तैयार नहीं हुई? बेटा मैं उसे समझा कर आई हूँ, वो बस तैयार होकर आती ही होगी। शलाका आ गई। शलाका कहाँ रह गई थी तुम? हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सॉरी, आप सब लोग जाइए, मैं नहीं आ सकती। अरे नहीं आ सकती मतलब? ये लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम कहती हो कि नहीं आ सकती। I'm sorry. Very sorry. आप सबको मेरी वजह से वेट करना पड़ा, लेकिन मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप सब लोग जाके आइए। शलाका ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई तुम्हारी? सर दर्द हो रहा है ना, तो दवाई ले लो और चलो हमारे साथ। अम्मी जी आई एम रियली सॉरी, पर मैं सच में नहीं आ सकती। शलाका तुम मॉम रहने दीजिए, अगर उसे नहीं आना है तो फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग निकले, लेट हो। हाँ चलिए, चलो चलिए। चलिए हम लोग लॉन में चलते हैं। आज मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगी। चलना फिरना तो दूर, तू दौड़ेगा।
मुझ पर वायर सिर्फ और सिर्फ ये बुढ़ा ही फेंक सकता है, क्योंकि सिर्फ इसे ही पता है कि मैंने बिजली का वायर फेंक कर इसे अपाहिज बनाया है। मैं अभी आती हूँ। अरे शलाका, शलाका जी, तुम थोड़ी देर इनके पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। डोंट वरी लाडूबा, मैं दादाजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगर ये बुड्ढा ठीक होकर भी अपाहिज होने का नाटक कर रहा है तो मुझे भी इसके नाटक का पर्दाफाश करना ही होगा। तो तूने मुझ पे इलेक्ट्रिक का वायर नहीं फेंका, तू अपाहिज है, चल फिर नहीं सकता, है ना? आज मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगी, चलना फिरना तो दूर, तू दौड़ेगा। तुझे दर्द हो रहा है ना, तो उठ और चीख। आप ये कल पहन लेना। कल क्या है? एक्चुअली ना मैं भी भूल गई थी, ये तो वीना बेन ने फोन करके याद करवाया कि कल 26 तारीख है और वो लोग सब आ रहे हैं यहाँ पे शगुन सवा रुपया की रसम के लिए और चुनर उड़ाने की रसम के लिए। जैसे हमने सुबह और ऋषि की सगाई की थी वैसे ही कल सुबह और गीत की सगाई हो जाएगी, यानी शादी से भी बड़ा और पहला वचन, 7 जन्मों के बंधन का वचन।